की तैयारियां इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई है मतदान को लेकर। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट, तो वहां पर भी कल मतदान होना है। और चुनाव आयोग के स्वीप अभियान को आगे बढ़ते हुए यहां के युवाओं के द्वारा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, प्रतिशत ज्यादा हो। स्वीप अभियान पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की मैनपुरी से ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग के स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के काम को आगे बढ़ाने में मैनपुरी का राजकीय महाविद्यालय बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। महाविद्यालय के शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को संगोष्ठियों के माध्यम से मतदान का महत्व समझाते हैं, जिसमें युवा भी कविताओं के जरिए मतदान के प्रति अपनी सोच को प्रदर्शित करते हैं। धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे पास ये सुपर पावर है कि हम वोट करेंगे। बहुत बड़ी चीज है कि हमारे पास ये सुपर पावर है कि हमारे ऊपर कौन हमें वो चुनना है जो हमारे लिए अच्छे काम करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय मैनपुरी के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह बताते हैं कि उन्होंने तीसरे चरण के मतदान के लिए अपने छात्रों को मतदान एम्बेसडर के रूप में तैयार किया है, ताकि वे न सिर्फ खुद मतदान करें बल्कि दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। हमारे महाविद्यालय के बच्चे एक एम्बेसडर की तरह कार्य करते हैं, एक समाज में मैसेज पहुँचाते हैं कि कैसे मतदाताओं को जागरूक किया जाए। और यह भी सूचित है कि महाविद्यालय इस जनपद मैनपुरी का नोडल महाविद्यालय है, तो सारे महाविद्यालय को भी मैं भी उनको मैसेज पहुंचाता हूं, कन्वे करता हूं शासन के आदेश और चुनाव आयोग द्वारा मिले हुए निर्देशों का पालन कराता हूं कि लोगों को मतदान करने हो जागरूक करें सभी महाविद्यालय। और हमारे महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं वो एक एम्बेसडर की तरह कार्य करते हैं, समाज में जा जाकर गांवों में जा जाकर मतदाताओं को जागरूक करते हैं। महाविद्यालय के प्रांगण में एक दूसरे के साथ आपस में मिलजुल कर छात्र छात्राएं मतदान के महत्व और जागरूकता बढ़ाने की तैयारी करते हैं। मैनपुरी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाविद्यालय में नारे लगाते ये युवा या तो पहली बार वोट डालने वाले हैं या एक दो बार वोट डाल चुके हैं। ये पूरे देश से मैनपुरी से आह्वान कर रहे हैं कि वोट कितना ज़रूरी है। मजबूत होते लोकतंत्र और युवाओं की शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, DD News, मैनपुरी। तो ये तो